सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज की वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे आप ये जो स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग देख पा रहे जिसमें कि मून ऐड हो जा रहा है एंड मून में ग्लो है और भी बहुत सारे एडिटिंग है। इन सभी एडिटिंग को हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये बिल्कुल ही न्यू एडिटिंग है क्योंकि वीएनएडिटर में एक अपडेट आया जिसमें कि सारे टूल ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसे आज हम एडिट करने वाले वीएनएडिटर के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वीएन एडिटर को ओपन करना है, प्लस बटन के ऊपर टैप करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है। सो वीडियो को हमने सेलेक्ट किया एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, मीन्स एरो वाले बटन के ऊपर, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ओरिजिनल के ऊपर आएंगे एंड 9:16 को सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लेना है, तो सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे इसे स्टार्टिंग में होल्ड करके रखना एंड अपने सेकेंड हैंड से जस्ट यहां पे स्क्रीन शॉट ले लेना, ओके। तो स्क्रीन शॉट ले लेने के बाद यहाँ पे करना है बैक, ठीक है। बैक करने के बाद ये वाला जो आपको बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और फोटोज में के जो भी आपने स्क्रीन शॉट लिया है जस्ट इसे आपको सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे एरो वाले बटन के ऊपर टैप कर देना है। तो देख सकते हो ये हमारा मीन्स स्क्रीन शॉट आ चुका है, ठीक है। अब ये स्क्रीन शॉट आ गया, अब इसमें ब्लिंक वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए हमें जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। सो यार देखो वीएन एडिटर में तो होगा नहीं, तो सिंपली से हम करते क्या है, गूगल को ओपन करते एंड यहाँ पे सर्च करते हैं एडोब बैकग्राउंड रिमूवर, ओके। सर्च करने के बाद जो स्टार्टिंग में वेबसाइट आ रहा है जस्ट इसमें हम इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के बाद अपलोड योर फोटो के ऊपर टैप करेंगे, देन स्टे ऑन वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहां पे हमें अपना अपलोड कर देना है इमेज को, सो अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी हमने स्क्रीन शॉट लिया है इसको सेलेक्ट करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन थोड़ा सा वेट करने के बाद ये जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड रिमूव करके इसने दे दिया, जस्ट हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, देन ये डाउनलोड हो चुका, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें फिर से अपना वीएन एडिटर को ओपन करना है, देन स्टार्टिंग में आना है एंड पीआईपी वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करेंगे, देन फोटोज में जाके जो अभी देख सकते हो रिमूव किया गया है इसका बैकग्राउंड इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे जस्ट यहाँ पे हम इस तरीके से फिक्स करेंगे, तो हमारा जो प्रीवियस फोटो है ना उसके ऊपर बिल्कुल अटैच हो जाना चाहिए, मीन्स ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमने कोई दूसरा फोटो यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। देन उसके बाद एक मोशन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लूप में आएंगे एंड इसे आपको हार्ट बीट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर देना, तो देख सकते हो इस तरीके का ब्लिंक इफेक्ट आ जाएगा। ब्लिंक से नहीं होता है अच्छा, इसलिए मैं ब्लिंक को नहीं यूज कर रहा हूँ, आप जस्ट हार्ट बीट को यूज करना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। देन डन कर दे एंड इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर लेते हैं, मीन्स एक सेकेंड तक रखेंगे और इसे स्प्लिट करके ये वाला पार्ट को डिलीट और इसे भी एक सेकेंड एंड ये वाला पार्ट को डिलीट, ठीक है। इतना काम करना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर टैप करना है, देन इधर स्क्रॉल करना है और इसे फॉरवर्ड कर देना है, तो आपका वीडियो जो होगा वो अपवर्ड साइड में चला जाएगा। देन उसके बाद ये जो ब्लैक इमेज दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है, देन फोटोज वाले सेक्शन में आके जस्ट यहाँ पे आपको मून को सेलेक्ट करना है। अब बोलोगे यार ये मून वाले इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो ये वाला मून है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद आपको अपने वीडियो के ऊपर टैप करना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फिट या फिर फिल मिलेगा, दोनों में से किसी को भी क्लिक कर देना। अपने वीडियो के ऊपर टैप करेंगे, देन यहाँ पे आपको एक क्रोमा की देखने को मिलेगा, सो इसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद स्काई को सेलेक्ट करेंगे, स्पिल को बिल्कुल जीरो एंड इंटेंसिटी को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि बैकग्राउंड रिमूव ना हो जाए। सो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका, देन डन कर दे और अपने मून को जो है हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर दे, तो मून के ऊपर मैं टैप करता हूँ, देन इसे थोड़ा सा हम ऊपर रख लेते एंड नाउ उसके बाद इसमें इफेक्ट्स ऐड करना। अब इफेक्ट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आना है, ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है, देन इसमें आपको एक लाइट इफेक्ट देखने को मिला होगा, सो इसे आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, ओके। लाइट को सेलेक्ट करना है, देन डन करना है, तो आप देख पाओगे ये स्टार्टिंग में ये जो इफेक्ट है वो हमारे क्रिएट हो गया। देन उसके बाद आपको अपने वीडियो के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको एक एफएक्स का ऑप्शन देखने को मिला होगा, सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जीटर डाउन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, बट इसे आपको पूरे वीडियो को स्टार्टिंग में रखना है। सो वीडियो को स्टार्टिंग में से हम स्क्रॉल करके ले आते हैं, देन डन करते, तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे देख सकते हो ये जीटर डाउन वाला जो इफेक्ट है वो इतना दूर में खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अपने वीडियो के ऊपर टैप करना है,
की फ्रेम के ऊपर आना है एंड इसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। देन थोड़ा और आगे आना है और इसे और इंक्रीज करना है, देन आगे जाना है और इसे छोटा कर देना है। मीन्स इस तरीके से आप कम या ज़्यादा इसका साइज को कर लेना पूरा वीडियो में, तो मैं इस तरीके से कुछ इसे कम या ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीपल प्लेसेस के पास हमें ना ये वाला इफेक्ट ऐड करना है। सो मून के ऊपर हम टैप करेंगे एंड थोड़ा सा आगे आएंगे, इसे कर देंगे स्प्लिट। देन फिर से थोड़ा सा हम आगे आएंगे एंड इसे कर देंगे स्प्लिट। तो इस तरीके से आप दो तीन जगहों पे कर देना स्प्लिट एंड इन सभी का जो ट्रांजिशन इफेक्ट होगा उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आपको लाइट को सेलेक्ट करना है एंड इसे अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो एक ही बार में हर जगह पे ये ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो वो अप्रॉक्सीमेटली क्रिएट हो चुका है। जस्ट इसमें हमें क्या करना है, म्यूजिक ऐड करना है एंड दूसरा इसका थोड़ा कलर को सही करना है। अब देखो ये दोनों काम करने के लिए ना सबसे पहले हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। अब वीडियो एक्सपोर्ट करना है तो यार लास्ट में हम आते हैं एंड ये वेस्ट वाला पार्ट को डिलीट करके देन उसके बाद इसे कर लेते हैं एक्सपोर्ट, ओके। तो एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से ये हो चुका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो चुका। सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करते एंड हमारा वीडियो सेव हो गया। अब फिर से आपको प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड अपने वीडियो को सेलेक्ट करके जस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें हमारा जो नॉर्मल से एडिटिंग मीन्स हमने जो किया है वो सारे एडिटिंग होंगे, ठीक है। जैसे कि ब्लिंक इफेक्ट डाला था और वो जो जूम इन जूम आउट हो रहा था, साथ ही में मीन्स मून को जो हमने ऐड किया था वो लाइट इफेक्ट, वो सारे चीज़ हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, दो चीज़ें करना है। सबसे पहले तो म्यूजिक ऐड करना है एंड दूसरा इसमें हमें टारगेटिंग करना है। म्यूजिक ऐड करना तो बहुत ही आसान है, प्लस वाले बटन के ऊपर टैप कर देंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से जो म्यूजिक अच्छा लगेगा उस वाले म्यूजिक को जस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ऐड, ठीक है। तो म्यूजिक हमारा ऐड हो गया। अब कलर ग्रेड करना और भी आसान है, आपको सिंपली सा वीडियो के ऊपर टैप करना है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड एडजस्ट में आके यहाँ पे सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर पे आके जस्ट इसे कम कर दो। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर ग्रेड हो चुका है एक काम करने से। देन उसके बाद HSL पे आपको आना होगा एंड अपने मीन्स जो भी अपने क्लॉथ से पहना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो क्लॉथ का कलर है वो रेड है तो हम रेड को सेलेक्ट करेंगे एंड इसका सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ से भी इसका सेचुरेशन इंक्रीज करके आप देख सकते हो परफेक्ट हमारी वीडियो बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये वीडियो एडिट कर सकते हो, एडिट हो चुका। देन एक्सपोर्ट बटन के ऊपर टैप कर दे एंड इसे एक्सपोर्ट कर दे। तो इस तरीके से ये वीडियो एडिट होता है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अगर रियली आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।